दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म वाइल्ड लाइफ की रक्षा करता है। अभी अभी खबर आई है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वहां जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उनकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि जंगल सफारी बंद हो गई है और मॉनसून में पोचर्स का डर बढ़ गया है। ये पोचर्स का डर सिर्फ जिम कॉर्बेट में नहीं, सारे नेशनल पार्क में बढ़ जाता है मॉनसून में, क्योंकि टूरिस्ट नहीं जाते। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि ये जो टूरिस्ट होते हैं उतने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर या उतनी आंखें होती हैं, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल फोन होता है, सारे ही वीडियो बनाते हैं। कोई भी अवैध गतिविधि टूरिस्ट से छुप नहीं सकती। इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम हर जगह सघन तलाशी ले रहे हैं। जो लोग टेंट में रह रहे हैं, तंबुओं में रह रहे हैं, उनकी शिनाख्त कर रहे हैं कि किसी तरह से कहीं से कोई शिकार ना होने पाए।